كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व मन वाला, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अजीज भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारी माओ और बहनों, कौम के नौनिहालों, قال النبي صلى الله عليه وسلم खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। काबिले सद एहतराम सदर मोहतरम दारुल खैर फाउंडेशन फजलतुल शेख शमीम अहमद मदनी हफिज़हुल्लाह, मुअज्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, मशाइख़े इज़ाम, अजीज भाइयों और दोस्तों, आज बरोज़ सोमवार बतारीख़ यकुम जून सन 2020 आखिर में वो लम्हा आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था। बज़्म नशात रंगे दो आलम पे छा गया, बज़्म नशात रंगे दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। मैं दारुल खैर फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ इस तरहीबी कलिमात के साथ कि अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम, खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, जमाना आज भी कुरान से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, छटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि आल इंडिया ऑनलाइन मुसाबका हिफ्जुल कुरान करीम पिछले दिनों रमजान के आखिरी अशरे में अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ बहुसन खूबी इख्तिताम को पहुंचा था। आज आप सामईन और सामआत के सामने उन मासूम बच्चों और बच्चियों और कौम के नौनिहालों के रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह, जिसमें बिला तफरीक मसलक व मिल्लत बच्चों और बच्चियों ने शिरकत की और ये मुसाबका अखुवत व भाईचारगी, उल्फत व मोहब्बत का एक हसीन संगम साबित हुआ, जहां कई पाकीज़ा और बेबाक रूहें जमा हुईं और मुसाबका के नज़्म व नस्क से ज़िंदगी को भी मुनज़्ज़म बनाने और सलाहियत व सालहियत पैदा करने का सलीका मिला। अब मैं कौम के नौनहालों की नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ कि जो तूफान में पलते जा रहे हैं, जो तूफान में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और कुछ यूं कि आप जब तालीम हासिल करने जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो आपको उसे फेस करना पड़ेगा, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा और उसका मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी खतरे का मुकाबला करते हैं तो आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है, आप बहादुर बन जाते हैं। तो ये शेर भी आपके नजर है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा आए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा आए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुअज्जज़ नाज़रीन किराम, मैं अपनी बात को ज्यादा तूल ना देते हुए आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इस प्रोग्राम में मौजूद वालदैन को ये नसीहत करना चाहूँगा कि ये बच्चे और ये बच्चियाँ आपके पास अमानत हैं, इन्हें ज़ाय न करिएगा और इनकी परवरिश और परदाख्त जहाँ आप इनको दुनियावी मैदान में आगे ले जाना चाहते हैं वहीं यह आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इन्हें इस्लामी तरबियत से रोशनास कराएं और अपने बच्चों और बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। क्यों? इसलिए कि यह हमारी आखिरत की कामयाबी का जामिन है, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर दाई अल्लाह बन सकें और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे सकें। इसके अलावा अपने समाज और माशरे को सुधारने की सलाहियत रखते हुए उनकी मंजिल
और उनका टारगेट आखिरत हो, और इसी तरह से एक साल माशरा की तश्कील अमल में आए। मोहतरम नाज़रीन किराम, कबल इसके कि मैं इस बज़्म का आगाज करूँ तिलावत कलाम पाक से, सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि इसके अंदर मुशारकिन की तादाद कितनी थी। मुशारकिन और मुशारका, जाहिर सी बात है इसके अंदर बच्चे भी थे और बच्चियाँ भी थी। दारुल खैर फाउंडेशन और हमारे साथ जो टीम थी, हमारे जो मशाइख थे हमारे साथ, हम लोगों की कोशिश ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम ले सकें, लेकिन चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कर नहीं सकते हैं। बहरहाल इन 5 दिनों में जितने बच्चों ने शिरकत की उनकी तादाद है 411। 100 नंबरात हासिल करने वाले बच्चे हैं 191। 95 से ऊपर, 95 से 99 तक नंबर हासिल करने वाले हैं 118, और 90 से लेकर के 95 तक नंबर हासिल करने वाले हैं 161। जाहिर सी बात है कि सारे बच्चे जो 100 नंबर लेकर के आए हैं, जब मुसाबका है और कुरा अंदाजी के जरिए से उनका नाम निकाला जाएगा तो उनमें से चंद ही का आएगा, क्योंकि 5 पोजीशन है, उसके अलावा 20 तशरी इनाम है, उसके बाद और बच्चों का नाम नहीं आएगा। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूंगा कि अजीजों सुनो, इससे आपको बददिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही के लिए शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आज आप इस मुसाबके में आए हैं, आप वो खुश नसीब हैं कि आपको 100 नंबर मिले, आपको इनाम मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम आपको तो ये खुशी होगी कि आपने अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम को सुनाया। आपसे जिस सूरत के बारे में पूछा गया, आपने उस सूरत की तलावत की और हकम साहिबान ने आपको 100 नंबर दिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सारे लोगों को जिन लोगों ने 100 नंबर हासिल किए, और जो 100 नंबर से कम भी हासिल किए हैं वो भी आप बददिल ना होइए, बल्कि आप इस कुरान मजीद को सीखिए और सिखाइए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। तो अब ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तलावत कलाम पाक के लिए हम दावत देते हैं अजीजम मोहम्मद अम्मार अफजल को। इस शेर के साथ उन्हें हम आवाज देंगे कि सुनाओ नगमे कुरान करीम हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नगमे कुरान करीम हम बेदार हो जाएं, अधेरों से निकलकर साहिब कुरान हो जाएं, अधेरों से निकलकर साहिब कुरान हो जाएं। मोहम्मद अम्मार अफजल, आप तलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज कीजिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك. मोहतरम नाज़रीन किराम, ये महफिल जिसमें आप शरीक हैं,
ये कोई दुनियावी महफिल नहीं है, ये महफिल एक इल्मी महफिल है। लेकिन कबल इसके कि मैं और आगे चलूं, हमदे बारी ताला के लिए मैं दावत देता हूं बिरादर मोहतरम महरुद्दीन शेख साहब को इस शेर के साथ की माइक खोल लीजिए महरुद्दीन साहब ना जी। हाँ हम उन्हें आवाज देंगे इस शेर के साथ की साहबे तर्जे शहनशाह तरन्नुम है वो, साहबे तर्जे शहनशाह तरन्नुम है वो, गुलशने बज्म में फूलों का तबस्सुम है वो। महरुद्दीन शेख हमदे बारी ताला पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته धरती से आसमां तक है हर मकाम तेरा धरती से आसमां तक है हर मकाम तेरा जलवा कहाँ नहीं है रब्बे अनाम तेरा जलवा कहाँ नहीं है रब्बे अनाम तेरा रब्बे अनाम तेरा कुन कह दिया जो तूने महफिल सजी जहाँ की कुन कह दिया जो तूने महफिल सजी जहाँ की देखा के हर तरफ है फैजान आम तेरा देखा के हर तरफ है फैजान आम तेरा फैजान आम तेरा गुलशन में गुल ने तेरी खुशबू का राज़ खोला गुलशन में गुल ने तेरी खुशबू का राज़ खोला गुंजते हैं पैगाम आम तेरा पैगाम आम तेरा। जज़ाकअल्लाह खैर मुबारकअल्लाह फ़िकुम। चलिए करिए 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 मुझसे खत्म हो गया जी, कंप्लीट करिए जी, कंप्लीट करें। ये आदमी हैवा ये चहचहाती चिड़िया सब अपनी बोलियों में लेते हैं नाम तेरा सब अपनी बोलियों इस पे बार बार लाइव आ रहा तेरा जलवा कहाँ नहीं है रब्बे अनाम तेरा रब्बे अनाम तेरा। जज़ाकअल्लाह खैर मुबारकअल्लाहु फीकुम व नफ़अल्लाहु बिकुम अल इस्लाम व अल मुस्लिमीन। बहुत ही खूबसूरत आवाज आपने तो सबको मशहूर ही कर दिया मुकम्मल तौर से। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी आवाज में और मिठास पैदा करे और आप ऐसे ही हमें और पूरी उम्मत को आप यूं ही हमदे पाक और नात पाक सुनाते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और अब एक बार फिर मैं अपने मशायखे इज़ाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो अपनी तमाम तर मसरूफियात और मशगूलियात के बावजूद भी हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। उनमें काबिल ज़िक्र हैं फजरतुश शेख मुख्तार अहमद मोहम्मदी मदनी हफ़िज़हुल्लाह,
فضیلت الشیخ حافظ مت اللہ سلفی حفظہ اللہ, فضیلت الشیخ محمد اطہر فیضی حفظہ اللہ, فضیلت الشیخ برویز عالم الطاف حفظہ اللہ, فضیلت الشیخ مسیح الدین مدنی حفظہ اللہ, اور اس کے علاوہ بہت سارے مشائخ ہیں جو اس پروگرام کے اندر موجود ہیں. میں آپ تمام مشائخ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا, چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں, بچے ہوں یا جوان ہوں, آپ سارے لوگوں کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہوئے اس پروگرام کی جو میں خصوصیت ہم بتلانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پروگرام ہم نے کیے ہیں, بہت بڑے بڑے کانفرنسوں میں بھی ہم گئے ہیں, شانتی سمیلن بھی ہم کرائے ہیں, جلسوں میں بھی جانا ہوا ہے, لیکن جو خوشی آپ کو دیکھ کر کے ہو رہی ہے اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور یہی تاثر ہمارے مشائخ کرام کا ہے. یہی جب رمضان میں پروگرام چل رہا تھا, ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے, ان کے تاثرات دیتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں کہ ایسے پروگرام تو شاید کہیں دیکھنے کو ملتے ہوں کہ پورے ہندوستان کے بچوں کو آپ قرآن مجید پڑھانے کے لیے بلا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بہترین بزم ہے جو سجائی گئی ہے, اور میں ہمارے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں, ان کی موجودگی میں میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس طرح کی مجلسیں اور اس طرح کے مسابقے انشاءاللہ ہم لوگ اور بڑے پیمانے پر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو ہم نے سوچا اور اس کو کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور پائے تکمیل تک پہنچا. تو میرے بھائی اور دوستو, وقت ہے میں زیادہ آپ لوگوں کا نہ لیتے ہوئے میں اس مجلس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ مجلس کوئی عام سی مجلس تو نہیں ہے, یہ مجلس کوئی دنیوی محفل تو نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی جلسہ بھی تو نہیں ہے, یہ کوئی سرکاری سمیلن بھی تو نہیں ہے, اور یہ کوئی جشن مشاعرہ بھی نہیں ہے, بلکہ یہ مجلس رضا الہی کے لیے سجائی گئی ہے اور انتہائی پاکیزہ محفل ہے. تو اب اس محفل کے لیے کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ رش کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد, رش کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر الہی ہو جائے. ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, اور قرآن ایک ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. نہ نماز کا مطالبہ زیادہ ہے, نہ روزے کا مطالبہ زیادہ ہے, نہ صدقہ و خیرات کا مطالبہ زیادہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو, رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر الہی ہو جائے. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں صدر محترم, برادر محترم فضیلت الشیخ شمیع محمد عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آپ کے سامنے صدارتی کلمات پیش کریں. فضیلت الشیخ شمیع محمد عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. محترم مشايخ ودعاة ومشاركين مسابقہ, دیگر سامعین و سامعات, خواتین و حضرات, آج کی یہ بزم جو آل انڈیا انعامی مقابلے کرت رمضان کے اخیر عشرے میں منعقد کی گئی تھی, آج اس انعامی مقابلے میں جو ہمارے بچے یا بچیاں جنہوں نے اس انعامی مقابلے میں شرکت کی ہے ان کے رزلٹ کے لیے آج کی یہ مجلس رچائی گئی ہے. ہم آپ تمام سامعین و سامعات اور تمام حاضرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید, ویلکم اور مرحبا کہتے ہیں, اور اس مجلس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. محترم دینی بھائیوں, ہمارے عزیز شیخ پرویز عالم عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ نے ابھی تمہیدی کلمات میں
قرآن کریم کی تلاوت اس کی اہمیت اس کی فضیلت کیا ہے تعلق سے بہت ساری باتیں عرض کی. میں چونکہ اس مجلس میں آن لائن زوم پر بچوں کے گارجین ماں باپ اور والدین کی شکل میں موجود ہیں تو میں اس مناسبت سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا اور مجھے وہ واقعہ جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ ہیں تلقن ولدہ الشہادتین وہو ابن سنتین کہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 سال کے تھے 2 سال کی عمر ہے اور یہ والدہ اپنے بیٹے انس کو کلمہ شہادتین کی تلقین کر رہی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دیکھیے کہ بڑے ہو کر کے وہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے معروف صحابی اور ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت صحابہ کے حوالے سے یہ چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس مجلس میں ہماری بہنیں موجود ہیں جو ماں کی شکل میں ہیں, تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ نونحال اور یہ ننھے منھے بچے جو آج اس انعامی مقابلے میں شریک ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کریں, گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں, اور ظاہر سی بات ہے ان ننھے منھے بچوں کے بننے اور سنوارنے میں والدین کا اہم رول ہے. یہ والدین اور یہ گھر یہ پہلی درسگاہ ہے اور والدین میں زیادہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے کیونکہ ماں بچوں کے ساتھ ہمیشہ گھر میں موجود ہوتی ہے. باپ جو ہوتا ہے رزق کی تلاش میں زیادہ حصہ اس کا گھر سے باہر گزرتا ہے, تو ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اس بنیاد پر اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر کی کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی, تم سب نگہبان ہو اور ہر آدمی سے اس کی ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ بچے آپ کی ماتحتی میں ہیں, آپ کی سرپرستی میں ہیں, یہ ننھے منھے بچے ہیں, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وائٹ پیپر ہیں جیسے سفید نوٹ بک ہوتا ہے. اب اس پہ آپ چاہیں تو حدیث لکھ لیں, آپ چاہیں تو قرآن کریم کی آیت لکھ لیں, آپ چاہیں قرآن کریم کی تفسیر لکھ لیں, اور آپ چاہیں تو اس وائٹ پیپر پر آپ گانے بھی لکھ لیں, آپ سودی لین دین بھی لکھ لیں, وہ وائٹ پیپر آپ کا قلم پکڑنے کے لیے نہیں آئے گا. تو ایسے ہی ننھے منھے بچے جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں ان کا دماغ بہت ہی صاف ہوتا ہے, آپ جس ڈگر پر چاہیں آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر ان بچوں کی پرورش میں کوتاہی ہوئی تو کل قیامت کے دن آپ والد کی حیثیت سے ہیں, آپ والدہ کی حیثیت سے ہیں, آپ کے لیے خیر نہیں ہوگا. اور قیامت کو تو چھوڑیے, اسی دنیا میں آج کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو اسلامی ماحول میں رکھا نہیں گیا, ان کی تربیت اسلامی طرز پر نہیں کی گئی, ان کی تربیت اسلامی طور طریقے پر نہیں کی گئی. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ننھے منھے بچے جو اس انعامی مقابلے میں شریک ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ بیدار مغز ہیں اور ان کا ذہن کھلا ہوا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کو ایسے ہی ماحول میں رکھیں, اس طرح کے پروگرام میں انعامی مسابقے میں شرکت کریں, ان کو رغبت دلائیں. ظاہر سی بات ہے یہ بچے آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوں گے. اور قرآن کریم کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں امتیازات ہیں, انہی خصوصیات میں سے خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ذکر نازل کیے, قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. آج کتنے ایسے دشمنان اسلام ہیں جو اسلام کے خلاف حتیٰ کی کلام اللہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ننھے ننھے بچے جو مقابلے میں شریک ہوئے ہیں
कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि 8 साल का 10 साल का बच्चा ये सीने में कुरान करीम को महफूज किए हुआ होता है, तो ये कुरान करीम का एजाज है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से कुरान करीम की हिफाजत की है। और उन तदाबीर में से एक ये भी है कि कुरान को दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी किताब नहीं है कि मिन वन उसके मानने वाले अपने सीनों में महफूज कर चुके हों, लेकिन कुरान करीम का ये एजाज है कि कुरान करीम आज ये 10 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे के सीने में हजारा हजार की तादाद में लोगों के दिलों में ये महफूज है। इसके अंदर जर्रा बराबर तब्दीली कोई करना चाहे तो मुमकिन नहीं, बल्कि ये महाल है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी ये नौनिहाल, ये हमारे बच्चे और ये बच्चियां जो इस इनामी मुकाबले में हिस्सा ले चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला इन्हें मजीद तौफीक दे, अल्लाह तबारक ताला इन्हें दीनी मिजाज बनाए, और दीनी मिजाज के साथ अल्लाह तबारक ताला इनके वालिदैन को भी इस बात की तौफीक दे कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में इस्लामी तरबियत से आरास्ता करने में, किताब और सुन्नत की जेवर से आरास्ता करने में ये वालिदैन फिक्रमंद रहें। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे। और अखीर में चलते चलाते मैं ये कहते चलूं कि इंशाअल्लाह ये मुसाबका ऑनलाइन जिसकी हमने शुरुआत की है, इंशाअल्लाह जैसा कि हमारे बरादर अजीज परवेज आलम अब्दुल हलीम मदनी हफ़िज़ुल्लाह ने दौराने तमहीदी कलिमात कहा कि हम ये और इससे बड़े पैमाने पर हम इंशाअल्लाह करेंगे, तो हम लोगों की प्लानिंग ये है दराकीन दारुल खैर फाउंडेशन की, किस तरह के इनामी मुसाबकात ये बच्चों के लिए अलग से हों, ख्वातीन के लिए अलग से हों, और इसी तरीके से उम्र दराज लोगों के लिए अलग से हों, और ये इनामी मुकाबला करत जो कि सारे सुअर की शक्ल में हुआ है, ये आइंदा चल करके ये शुरू के 10 पारों का, फिर यह है कि 15 पारे का, या यह है कि पूरे कुरान का हिफ्ज कुरान इनामी मुकाबला मुनक्किद किया जाए, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबल में ये हम लोगों की प्लानिंग है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दारुल खैर के प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने मुफीद आरा और इख्तराहात से नवाजते रहें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जजाए खैर दे। आखिर में हम फिर एक बार अपने उन मशायख का जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके और ये हिफ्ज कुरत का इनामी मुकाबला जो मुनक्किद किया गया हकम की हैसियत से 4 या 5 ताखरातों में अपने कीमती वक्त को उन्होंने दारुल खैर फाउंडेशन को दिया, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इन मशायख को शेख मती और इसी तरीके से पत्थर साहब और दीगर मशायख जिनका भी किसी किस्म का ताउन रहा हो, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनके इल्म व अमल में बरकत आ फरमाए, और ऐसे ही ताउन अल बिर व तकवा की शक्ल में हमें जुड़ करके दावती काज को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين محترم ناظرين الكرام چونکہ یہ مجلس ہے تقسیم انعامات کی تو خیر ہے ہی लेकिन ऐसी मजलिसें कम मुनक्किद होती हैं, इसलिए मैं अपने उन भाइयों से जो बहुत जल्दबाजी में हैं और वो किसी तरीके से मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि शेख जल्दी करें। देखें अभी जो हमारे बड़े भाई शहीन साहब ने बतलाई है कि बच्चे कोरे कागज़ की तरह से होते हैं, इसलिए उन्हें आप वक्त दीजिए। ऐसी मजलिसें आप चिराग ले करके खोजेंगे जो भी नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ खालिस कुरान और हदीस की बात होगी, परवरिश कैसे बच्चों को करनी है उस तरह की बातें होंगी, और यहाँ पे मुतखस्सिसीन बैठे हुए हैं। तो मैं आप तमाम हजरात से यही कहूँगा कि ज़रा सब्र कीजिए, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अब हमारे बीच में तासरात के लिए मैंने शेख मोहतरम मुख्तार अहमद मोहम्मदी मदनी हफ़िज़ुल्लाह से गुजारिश की, उनका शेड्यूल थोड़ा सा टाइट था, उसके बावजूद भी शेख ने टाइम निकाला है इस प्रोग्राम के लिए और आप सारे लोगों के लिए, कि शेख साहब को सुनने के लिए लोग स्क्रीन पे बैठे रहते हैं और आज वो हमारे सामने हैं। तो मैं शेख मोहतरम के बारे में बताता हूँ कि शेख साहब हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान से हैं, आपने अपनी फरागत मोहम्मदिया मंसूरा वाले गांव से की है, उसके बाद वहाँ से आप आला तालीम हासिल करने के लिए
इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना 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 तैयबा तशरीफ लाए, फिर वहाँ से फरागत के बाद तकरीबन 20 सालों से जुबैल दावा सेंटर में दावती व तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला शेख मोहतरम के जुहूद को कबूल फरमाए। शेख साहब आपसे मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अब चूँकि आपका माइक है मैंने खोल दिया है, माइक है और ये नौनहाल हैं, कौम के बच्चे आपके सामने हैं, कुछ है इस प्रोग्राम के ताल्लुक से तासुरात और उनको कुछ चंद नसीहतें। जज़ाकअल्लाह खैर व बारकअल्लाह फिक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि व अला आलिहि व अला सहाबिहि व मन इहतदा बिहदिहि व सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। शेख मोहतरम जनाब शेख परवेज साहब ने मुझे तासुरात पेश करने की दावत दी है। लोगों को बड़ी जल्दी है जैसा कि हमारे शेख ने बताया, लेकिन तीन बातें हजार जल्दी के बावजूद मैं पेश करने की कोशिश करूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप लोग इन सारी बातों को सुने। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मल्लम यश्कुरुन्ना सल्लम यश्कुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने में लोगों का शुक्रिया अदा करना भी दाखिल और शामिल है। लिहाजा पहली बात तो मैं अपने मशाइख का और ख़ास तौर से दाउल खैर फाउंडेशन के सदर मोहतरम हमारे अजीज और शेख शमी अहमद अब्दुल हलीम मदनी हफिज़ुल्लाह और शेख परवेज साहब और तमाम टीम जिन्होंने इस तरह का इनामी मुकाबला रमज़ान के बाबरकत महीने मुनाकिद कराया वो शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी फरमाए, उनके इल्म में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन रब्बिल आलमीन। दूसरी बात यह है कि हमारे शेख ने बच्चों की तरबियत के हवाले से चंद बातें कहीं, वक्त बहुत मुख्तसर है, नुकात की शक्ल में मैं आपके सामने बातें पेश कर रहा हूँ। देखिए बच्चों की तरबियत के हवाले से ये बात हम लोग अपने जहनों में बैठा लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बच्चों से बाद में सवाल करेगा, वालदेन से पहले सवाल करेगा कि तुमने कि तुम्हें हमने औलाद दी अमानत के तौर पर और तुम लोगों ने इस अमानत का हक कहाँ तक अदा किया, ये वालदेन से पहले सवाल होगा। और दुनियावी लिहाज से भी देखें बच्चों का हक वालदेन पर पहले आयद होता है और वालदेन के हकूक बच्चों पर बाद में आयद होते हैं। लिहाजा अपने जहनों में बैठा लें कि बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अमानत हैं और अमानत में खयानत करना जुर्म होता है और उनकी सबसे बड़ी अमानत यह है कि हम उनकी उस तरीके से तरबियत करें कुरान और हदीस की रोशनी में और दीन इस्लाम पर उनकी तरबियत करें। ये बहुत बड़ी अमानत हमारे जिम्मेदारी हमारी गर्दनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्चों के हवाले से दी है। तीसरी बात यह है कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा मौजदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौजदे अता किए। उन मौजदों में सबसे बड़ा मौजदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को अता फरमाया, जो क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजदा है, वो कुरान करीम की शक्ल में आज भी हमारे सामने मौजूद है। इस कुरान करीम की हिफाजत करना ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है और उसकी हिफाजत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उन्हीं में से सबसे बड़ी हिफाजत की इंसान कुरान को याद करे, उसके ऊपर अमल करे, उसे अपने सीनों में महफूज रखें और इस तरीके से जो इस तरह के जो मुसाबिके होते हैं ये तमाम चीज़ें इसी लाहिये से होते हैं कि कुरान की हिफाजत के अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पे नबी को अता फरमाया ये अल्लाह ताला का कलाम है, क़यामत तक महफूज रहेगा कुरान भी और दीन भी। ये पूरा दीन जो अल्लाह ने दुनिया के अंदर नाजिर फरमाया ये सब के सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक महफूज रखेगा। जब तक दुनिया के अंदर मुसलमान हैं तब तक दुनिया बाकी है, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर दुनिया में एक बंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी है तो क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत उन लोगों पर कायम होगी जो सबसे बदतरीन किस्म के लोग होंगे, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं होंगे। तो ये कुरान करीम न सिर्फ कुरान करीम बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन, ये सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। इन्ना नहु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये जिक्र पूरा कुरान भी शामिल है, पूरा दीन इसके अंदर शामिल है, क्योंकि दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और हदीस के अंदर महफूज कर दिया है, महसूर कर दिया है। लिहाजा पूरा दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। तो क़यामत तक ये दीन महफूज रहेगा और दुनिया उसे खत्म करना चाहे तो खत्म नहीं कर सकती है, उसी वक्त खत्म होगा जब क़यामत
قائم ہونے والی ہوگی. لہذا یہ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو عطا فرمایا, یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا معجزہ سمجھ لیجئے, قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. یہ قرآن کریم اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت ساری قوموں کو ذلت کے عمیق گار کے اندر ڈھکیل دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت, جو اس پر عمل کرے گا, اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ رب العالمین اسے بلندی عطا کرے گا. اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا, نہ قرآن کی تلاوت کرے گا, نہ اسے پڑھے گا, نہ اسے یاد کرے گا, نہ اس کے اوپر عمل کرے گا, تو اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو برباد کر دیتا ہے, ذلت کے عمیق گار کے اندر ڈھکیل دیتا ہے. لہذا یہ ہماری بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے. اور جب قرآن کی بات کہی جاتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ قرآن کریم کے اندر صرف قرآن کریم ہی کافی ہے, نہیں, قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی اس کے اندر داخل ہیں, کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر حدیثیں ہیں اور قرآن کریم کو انسان حدیثوں کے ذریعے سمجھتا ہے. تو جہاں صرف قرآن کی بات ہوتی ہے, یہ نہ سمجھے کہ صرف قرآن کریم ہی ہم سے مطلوب ہے, قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی مطلوب ہیں, کیونکہ قرآن کریم پر انسان عمل کر نہیں سکتا جب تک انسان حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا. اس لیے قرآن دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا ہے. اور آج یہ قرآن کریم ہم میں مظلوم ہے, قرآن کریم ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم حدیثوں کے اوپر بھی عمل کریں, نبی کی اطاعت کریں. قرآن ہی کہتا ہے کہ اما آتاکم رسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے تم رک جاؤ. قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. قرآن ہی ہمیں کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت داخل اور شامل ہے, اور رسول کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت داخل اور شامل ہے. لہذا قرآن کا مطلب صرف یہ نہ سمجھے کوئی کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, نہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی عمل کرنے کے ساتھ ہی قرآن کافی ہوگا. اگر کوئی حدیثوں کو چھوڑ دے گا, نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے گا, وہ مسلمان باقی نہیں رہتا, وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے, نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا, اللہ کا انکار کرنے والا, اگر کوئی حدیثوں کے اوپر عمل نہیں کرتا. لہذا قرآن آج یہ سب سے بڑا مظلوم ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قول بہت معروف ہے کہ ان کے پاس کوئی آدمی گیا محرم کے مہینے میں اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ مظلوم کیا ہے, یا مظلوم کون ہے. محرم کا مہینہ تھا, رافضی اور شیعی تھا, وہ یہ سمجھا کہ کہیں گے کہ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں. علامہ اقبال گھر کے اندر تشریف لے گئے, قرآن لے کر کے آئے اور کہا کہ میرے نظر میں سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ہے تو قرآن کریم ہے, سب سے زیادہ مظلوم قرآن کریم. لوگ قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے, لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے, اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. لہذا قرآن کریم پر ظلم ہم مسلمانوں نے کیا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم کسی میت پر پڑھ دیں اور قرآن خوانی کرا دیں اور اس طریقے سے اس کی تلاوت کر کے ان کے حوالے کر دیں جو ہمارے جو وفات پا چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا. قرآن کریم کو اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے, قرآن کریم کو عمل کے لیے, ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا. ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہدایت کی نیت پڑھ کر کے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے, اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا معجزہ, قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا صاحب قرآن سے, قرآن پڑھتا جا, سیڑھیوں پر چڑھتا جا, قرآن کی تلاوت کرتے جا, اور تیرا منزلہ, تیرا مقام اس آخری آیت کے اوپر ہوگا جو تو پڑھے گا. اس طریقے سے قرآن کریم کا ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو الحمدللہ قابل خوش نصیب ہیں وہ سارے بچے جو انہوں نے اس کے اندر شرکت کی, اور قابل مبارکباد ہوں سارے لوگ جنہوں نے اس طرح کا انعام مسابقہ کروایا. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کر سکیں, قرآن کے تقاضوں کو پورا کر سکیں, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کرے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کو بڑی جلدی ہے, مسابقہ انعامی مسابقے کی محفل ہے, اور ظاہر بات ہے سب کو بڑی خواہش ہے کہ ہمارا نام نکلے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنائے اور سب کو اللہ رب العالمین سے نواز دے. آمین. جزاکم اللہ خیر, وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیراً شیخ, وبارک اللہ فیکم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان جہود کو قبول فرمائے اور یہ سب کچھ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. محترم ناظرین کرام, اب سارے بچے یہی سوچ رہے ہوں گے
कि चिट कब निकालेंगे। शेख साहब तो चिट दिखाई नहीं रहे, तो मैं आपको बताता चलूं कि चिट मैं नहीं लाया हूं। आज हम इस का जो इसमें जो कुरा करेंगे वो आपके हिसाब से करेंगे, ताकि जो आपको अच्छा लगे। जैसा कि आप सारे लोग जान चुके हैं कि इसमें 100 नंबरात हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 191 है। 191 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 नंबर हासिल किए हैं। तो सब के सब काबिल मुबारकबाद है। सारे बच्चे 411 411 बच्चे जो उसके अंदर शरीक हुए, सबके सब काबिल मुबारकबाद है। और आप देखिएगा, पीछे ना हटिएगा। पीछे हटने के बाद गुआ कि आप हार जाते हैं, और आप अभी बच्चे हैं, आपके पास स्टेमिना बहुत है, बहुत ताकत है, आपको बहुत आगे जाना है बेटा। इसलिए अगर आपका नाम ना आए तो आप पीछे मत जाइएगा। आप अपने दिल में ठान लीजिएगा कि हम दारुल खैर के मुसाबके में नंबर ला के रहेंगे और पहला नंबर ला के रहेंगे। और एक दिन आएगा जब आपका नाम आएगा और आपका नाम पहले नंबर पे आएगा। इसलिए अब मैं आप तमाम हजरात को ले चलता हूँ वहां जहां इन बच्चों का नाम रखा हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के सामने। और हमारे जो मुआमिन हैं मिस्टर अनस, जो दारुल खैर फाउंडेशन में मीडिया के जिम्मेदार हैं, और माशाल्लाह उनके बड़े जुहूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, दिन रात करके माशाल्लाह शेख शमीम साहब के साथ में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने और ताकत दे, इन्हें और कुव्वत दे। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को रिजल्ट दिखाया जाए, लेकिन रिजल्ट के लिए जरूरी है कि सबसे पहले मैं रिजल्ट ही दिखा देना चाहता हूं। स्क्रीन पे हम घुमाएंगे उसे, और बच्चों अपना नाम ढूंढिएगा आप लोग, क्योंकि आप स्क्रीन पे आने जा रहा है आपका रिजल्ट। और हम क्लिक करेंगे उस फाइल पर जिसमें आपके सारे नाम है, 411 नाम वहां मौजूद है। तो फिर चले स्क्रीन पे अपनी नजरें आप टिका लीजिए। अब हम चंद ही सेकंडों के बाद आपकी वो फाइल खोलने वाले हैं। इस तरह से मैंने फाइल खोल दी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, फुल नेम है, सिटी है, और स्कोर है आपका। एक दो पांच मिनट तो इसके अंदर लगेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इसके अंदर देख लें। और पूरे हिंदुस्तान से इसके अंदर बच्चों ने शिरकत की है, मुंबई, अलीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हैदराबाद, मुंबई, मुम्बरा, कतर, दिल्ली, कोकन, हैदराबाद, शिमला पार्क जहाँ पे शेख साहब की ऑफिस है वहीं के हैं, मैसूर, झारखंड, इंदौर, जुबैल, शेख मुख्तार साहब जहाँ के हैं वहाँ के बच्चे माशाल्लाह शरीफ हुए हैं, मिर्जापुर, उड़ीसा, अलहसा, बरेली, रियाद, इंडिया, दिल्ली, शाहीनबाग, मुम्बरा। चलिए और आगे चलते हैं, लेकर के इनको स्क्रीन को यहाँ छोड़ देते हैं। जी हाँ, पहला नाम 35 पे है, अब्दुल्ला सऊद, ये मुंबई से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो। मैं स्क्रॉल करता रहूंगा जरा अपने स्क्रीन को, आप लोग जरा अपने अपने नाम को ढूंढ लीजिए। वैसे इंशाल्लाह बाद में हम ये जो कश्फ है या जो रिजल्ट है हम आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब बात करेंगे हम दारुल खैर फाउंडेशन से, देखते हैं कि क्या पॉलिसी है इसकी। वैसे मैं आपके सामने, और माशाल्लाह ये सिर्फ इंडिया के बच्चे शिरकत नहीं किए हैं, बल्कि इसके अंदर नेपाल के बंदे भी शिरकत किए हैं। यहाँ देखें, अब्दुलरहमान हैं शारजा के हैं, अब्दुलरहमान हैं कतर के हैं, अब्दुलरहमान हैं नेपाल के हैं, चेन्नई, जुबैल, महाराष्ट्र, कोकन, करनौल, बलरामपुर, हमारा भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है माशाल्लाह आगे आगे। ये और बात है कि उनके नंबर 75 और 85 में कोई मुश्किल नहीं है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में बलरामपुर वालों, वो तिफिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। लगे रहो इंशाल्लाह एक दिन आपको भी इनाम मिलेंगे। तमिलनाडु, सिद्धार्थ नगर, हैदराबाद, लखनऊ, मेरठ, करनौल, गुजरात, हैदराबाद, शाहीनबाग, मधुबनी, मधुबनी के भी लोग हैं भाई, मधुबनी के लोग हैं यहाँ पे। यानी आप ये कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे है, हमारे सामने बैठा हुआ है। और मैं तो यही दुआ करता रहता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह तबारक व तआला बच्चों को और ताकत दे। और जैसा कि भाई ने अभी तस्करा भी किया है कि हम कुरान को और भी इंशाअल्लाह उसके मुसाबिक करवाएंगे और मजीद करवाएंगे, और हर फिया हर ग्रुप के लिए करवाएंगे, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, हर एक के लिए इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम हम लाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे अपना नाम।
मुंबई, खेड़, बस्ती, बिहार, मेरठ, एमपी, नागपुर, لا إله إلا الله لا إله إلا الله और जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि इसमें जो इनामात है, पहला इनाम है 5,000 का, दूसरा इनाम है 4,000 का, तीसरा इनाम है 3,000 का, चौथा इनाम है 2,000 का, और पांचवा इनाम है 1,000 का। उसके अलावा 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। जो बच्चे पोजीशन होल्डर होंगे उनको सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा और जिन बच्चों का नाम कुरानदाजी में निकलेगा उनको भी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग ये प्लान किए हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उन सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो 100 लाए हैं। अब इसमें हम इसलिए नहीं दे सकते हैं कि हमने आपसे जल्दबाजी में आपका जीमेल नहीं लिया, बच्चे हमारे जो है मोबाइल नंबर ही नहीं बता पा रहे थे तो वो अपना जीमेल कैसे बता पाते। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसका ख्याल रखेंगे कि उसको किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि वो जीमेल उनका हमारे पास रहे और उसके जरिए से हम उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे सकें। लाल गोपालगंज, मऊ, हैदराबाद, इंशाल्लाह हम आप लोगों को शेयर कर देंगे YouTube लिंक तो आप लोग उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। वैसे आप देख लीजिए यहाँ पे 269 पे नाम है मुआज मसीहुद्दीन, सऊदी अरबिया से इनका ताल्लुक है, इन्होंने 100 नंबर लिए, मुबारक हो। और मैं इनको जानता भी हूँ माशाल्लाह, ये हमारे जो शेख मसीहुद्दीन साहब मदनी हफीदुल्लाह है उनके साहबजादे हैं और अभी बच्चे हैं लेकिन उन्होंने तकरीबन कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया है। तो जैसा कि अभी शेख साहब बतला रहे थे, शमीम भाई ने लाया, ये कुरान मजीद ही एक वाहिद ऐसी किताब है जिसको हम अपने सीनों में महफूज रखते हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है कि फरमाया इन्ना नज़ालना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो ये भी है एक चीज और एक मुजदा कह लीजिए कुरान मजीद। बहुत बहुत मुबारक हो मुआज़। केरला से भी लोगों ने शिरकत की है, साकिना का, झारखंड, मध्य प्रदेश, कुल मिला जुला करके हिंदुस्तान से, जिस तरह से इसका नाम है ऑल इंडिया करत कंपटीशन तो इस मुसम्मा है माशाल्लाह से। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इसके अंदर जितने बच्चों ने शिरकत की है उन्हें और हौसला दे, उन्हें और अज़्म दे कि वो और कुरान से जुड़ें और कुरान को याद करके हाफिज़े कुरान बन जाएं। ये अपने इख्तिताम को पहुंचा,
लास्ट में है जुबैर अहमद शरीफ हैदराबाद, नंबर इनका है 100। जी अब अनस साहब दारुल खैर फाउंडेशन से मैं आपसे कहूंगा कि आप कापी कलम लेकर के बैठ जाइए, नंबर आपको रिकॉर्ड करने हैं बच्चों के। पहले हम शुरुआत करेंगे तशजीह इनामात से, 20 तशजीह इनामात निकाले जाएंगे। उसके बाद में उस तशजीह इनामात के बाद नंबर आएगा पांचवी पोजीशन का, फिर चौथी पोजीशन का, आखिरी का जो बंदा होगा उसको हम लास्ट में निकालेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने ये गोल चक्र आ रहा है, आप लोग इसे देख रहे हैं, और ये बच्चों के हिसाब से इसे बनाया गया है कि बच्चों ये आपके लिए है। आपने कभी आइसक्रीम खाई है? मैंने तो ऐसे आइसक्रीम खाई है, इस तरीके से गोला चला के मैंने आइसक्रीम खाई है। अब तो दिखता नहीं है गोला की है कहाँ। बहरहाल आज भी बच्चे आइसक्रीम से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक जौक है उनका मोहब्बत करने का जरूर यकीनन। तो इसमें जो भी 100 नंबर हासिल करने वाले, 191 नंबर, 191 नाम है इसके अंदर, हम एक क्लिक करेंगे उसके बाद ये चक्र चलेगा और उसके बाद में फिर एक साहब का नाम आएगा और जिसका नाम आएगा उसे हम रिमूव कर देंगे ताकि दोबारा उनका नाम ना आए। तो मेरे ख्याल से आनंद साहब मैं शुरू करता हूं, आप कापी कलम लेकर के बैठ जाइए। बिस्मिल्लाह। आप इसको नोट कर लीजिए और इनसे रब्ता करिएगा आप। तो फरहानुल्लाह बैग साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको 500 रुपए, और दारुल खैर फाउंडेशन की तरफ से इंशाल्लाह आपको ये 500 रुपए आप तक पहुंचाए जाएंगे, अमानत है। बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। तो अब बारी है दूसरे की, देखते हैं कौन आते हैं। बिस्मिल्लाह। सिद्धार्थ नगर से, बहुत बहुत मुबारक हो जिशान। चलें तीसरा देख लेते हैं। हैदराबाद वालों, चौथा, रामपुर यूपी, बहुत बहुत मुबारक हो रामपुर। सैयद मोहम्मद इब्राहिम मुमताज।
रहमत उनको अल्लाह ताला आपको हाफिजा बना दे। अलीगढ़ से है, बहुत बहुत मुबारक हो आलिया, अलीगढ़ वाले भी आगे मैदान में माशाल्लाह। हम अलीगढ़ का नाम इसलिए रहे कि अलीगढ़ से हम वाबस्ता हैं भाई, अलीगढ़ में हमारे बच्चे रहते तो मोहब्बत तो है अलीगढ़ से। रहमत सिद्दीका अलविन मोहम्मद अनस खान, मुबारक हो अनस। देखा भाई अलीगढ़ वालों का आता है इसमें, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पिछले मुसाबके में हम लोगों ने इतनी ईमानदारी के साथ मुसाबके में मुकाबला किया था, लेकिन एक साहब ने मुझको कहा कि आपने अपने घर वालों का निकाल दिया। मैंने कहा मेरे घर वालों का? बोला नहीं, यूपी बिहार वालों का निकाल दिया। आप बताइए, ऐसे भी जहनीत के लोग होते हैं तो मेरे इसमें मेरे कोई हाथ नहीं है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद सादिक। Thank you.
हाँ मोहम्मद सोबान है सऊदी अरबिया से, बहुत बहुत मुबारक हो सोबान। मुबारक हो झारखंड वालों, मुबारक हो। चलिए मुबारक हो। अब आखिरी बचा है तशदी इनाम का, जो 500 वाला इनाम था, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलेंगे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की तरफ। इस तरीके से 20 कंप्लीट हो गए हैं और अब बढ़ते हैं उन खुशनसीबों की तरफ जो 500 को छोड़ करके 1000 में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर आखिरी वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पांचवे वाले का 1000 है, चौथे वाले का 2000 है, और तीसरे जो तीसरी पोजिशन पे है उनको 3, जो दूसरी पोजिशन पे उनको 4, और जो फर्स्ट पे है उनको 5। जी हाँ, तो अब पांचवे के लिए क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे वो खुशनसीब। बहुत बहुत मुबारक हो मारिया। चौथे पोजीशन के लिए और मैं आपको बताता चलूं, ये वही है जिन्होंने तलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज किया है। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मार। और मैं अब एक बार फिर अपने उन इख्वान से कहना चाहूंगा जो हमारे अल एहसान यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरीके प्रोग्राम और इससे बेहतरीन प्रोग्राम आपसे फौत ना हो जाए। और इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि ये तो एक शुरुआत है, इंशाल्लाह इससे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम आपको अल एहसान के जरिए से पहुंचाएंगे। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं तीसरी पोजीशन के लिए।
अरे भाई मुशायख अब तो बाकी है दो, मुझे लगता है रहने देना चाहिए अब। हाँ बच्चा सऊद, अब्दुल्ला सऊद भाई माइक खोले जरा अपना जी। मैं चाहता हूँ रहने दिया जाए, दो इनाम बड़ा बड़ा वाला रहने दिया जाए, फिर बाद में कर लेंगे इसको, क्या ख्याल है? रहेंगे बाद में कर लिया जाए। चले ठीक है, निकाली निकाल ही लेते हैं। बच्चों को ने बोले क्या यार शेख साहब छोड़ और निकाल दिए, बड़ा रख लिए। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। तो 304 को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और अब बारी आई है 4000 वाले की। तो देखते हैं 4000 वाले कौन हमारे अजीज और हमारे प्यारे बच्चे हैं। दूसरी 4000 के मुस्तहिक हो गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा अपने नाजरीन के पास, और यहाँ मैं देखूं किसी से मशवरा कर लूं कि रहने दिया जाए कि चला जाए। यहाँ एक शेख साहब बैठे हुए हैं, सुरैम साहब बैठे हैं। सुरैम साहब एकाल उकाल लगा के बैठे हैं, इनसे पूछा जाए। सुरैम साहब अपना माइक खोलिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं शेख? महाराष्ट्र इंडिया। एकाल उकाल तो ऐसा लगा है, सऊदी शेख लग रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा आप ये बताइए सुरैन साहब, आप ये बताइए कि मेरी मैं ये चाह रहा हूँ ना कि ये जो बड़ा वाला है उसको रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए अगले प्रोग्राम के लिए। जी अभी पहली पोजीशन बाकी है आने, 5000 का इनाम है, तो मैं ये चाह रहा था उसको रहने दिया जाए, क्या ख्याल है आपका? आप पे डिपेंड है, आप पर हम नहीं समझ। नहीं तो मैं आपके पास आया हूँ ना, तो आप बताओ ना क्या किया जाए, लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? स्पिन करके देखेंगे किसका नाम निकल जाए, तो करते अल्लाह ने चाहा तो। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, मतलब कर दिया जाए, छोड़ा ना जाए ना। नो अरे रहने दीजिए, 5000 हमारा बच ही जाएगा तो क्या मुश्किल है आपको भाई? इंसाफ बराबर होना चाहिए। इंसाफ बराबर होना चाहिए, बराबर है यानी कर दिया जाए। चलिए ठीक है, एक आध लोगों की राय और ले लेते हैं यहाँ से, देखते हैं दूसरे तीसरे पेज पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह सब तो अपना कैमरा बंद कर रखे हैं, शायद बच्चियां हैं वहाँ पे, कोई मसला नहीं है। चले ठीक है, आपका हुक्म सराखों साहब। सुरैम साहब आप बहुत अजीम इंसान है, शमा वमांग लगा के बैठे हैं, बिल्कुल लगता है हमारे बगल में राका में हैं आप, तो चले आपकी बात हम मान ही लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो अब मैं कह दूंगा कि तो जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई है। ओहो भाई 5000 का इनाम निकलने जा रहा है, कर ही देता हूं क्लिक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शकील अख्तर बदरुल हक फ्रॉम झारखंड। तो इस तरीके से ये हुआ मुकम्मल, और अब मेरे ख्याल से वक्त भी काफ़ी हो चला है, तकरीबन 1 घंटा हुआ है। और मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले कुछ आप नाजरीन से कहना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं दोबारा, अगर आप सब इंडिया में हैं तो वहां से 009 66 लगाना पड़ेगा, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक काम आपको बताऊंगा, तो जरा कर लीजिएगा, उससे मुझे भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होगा। तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए 009 66। लेकिन उससे पहले मेरे जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो कर लें, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह आप और मजीद मुस्तकबिल में देखने को पाएंगे।
तो माशाल्लाह कह रहे हैं कि बहुत खूब बहुत खूब, और खुश रहो झारखंडी भाई। देखो भाई माशाल्लाह से मुबारकबादी भी आ गई यूट्यूब चैनल की तरफ से, और झारखंड जीत गया। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा जो कप्तान रह चुका है कैप्टन धोनी, वो भी झारखंड का था, उसने भी खूब जीते हैं। तो खूब जीतो झारखंड वालों। और हमारे वो जो शेख मारुद्दीन साहब आए थे वो भी झारखंड के हैं, तो बनता है झारखंड वाले का हक। तो बहुत बहुत मुबारक हो झारखंड वालों, बिहार वालों, हैदराबाद वालों, यूपी वालों, मुंबई वालों, पूरे हिंदुस्तान वालों, चेन्नई वालों, सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से और दारुल खैर फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से, आप सबको मुबारकबाद। जाओ तो मैं कह ही रहा था कि आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 0096-0996-535-135-874 0096-535-135-874 ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपके पास मेरा नंबर सेव हो जाएगा। जाहिर सी बात है मैंने दिया तो सेव हो जाएगा। तो आप अपने तासुरात लिख करके हमें दे दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आप उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू में लिख दीजिएगा, आप अरबी में लिखते हैं तो अरबी में लिख दीजिएगा, दोनों हम समझते हैं। रही जबान इंग्लिश की तो वो भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी अटल बिहारी वाजपेयी वाले ने लिखिएगा, हिंदी लैंग्वेज में आप राइटिंग में लिखिएगा तो हम समझेंगे। और अगर वो भी जो एकदम परफेक्ट हिंदी है वो भी लिख देंगे तो हमारे पास माशाल्लाह मुतरजमीन है। हम जिस फील्ड में हैं तो हमारे साथियों में से कुछ साथी ऐसे हैं कि जब हिंदी बोलते हैं तो लगता है कोई महंत आया हुआ है। तो खैर है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख दें, आप तमिल में लिखते हैं, आप मलयालम में लिखते हैं, आप तेलुगू में लिखते हैं, आप जहां भी रहते हैं, अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो वो भी जहां से भी हैं आप लिखते हैं, उसका हम ट्रांसलेट करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो आपके तासुरात हमें चाहिए, और तासुरात इंसाफ के साथ लिखिएगा, अगर कुछ कमी हमसे हुई होगी तो जरूर निशानदेही करिएगा, क्योंकि इंसान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना होता है। और हम अपने भाई की जब तनकीद करते हैं तो तनकीद पराए इस्लाह होनी चाहिए। बहुत सारे इख्वान ने जब हमने दलील मुस्लिम का मुसाफा करवाया तो हमें बतलाया कि आपने यहाँ गलत किया, और हमने इंशराह सदर से उसे कबूल किया कि आप मेरे भाई हो। और जैसा कि पिछली बार हमने शेयर कर दिया था नंबर्स, वो गलत था। अभी इसमें जब शेयर किया गया तो नंबर्स नहीं है किसी के मोबाइल नंबर, सिर्फ सिटी है, नाम है और बस नंबर है। तो वहां हमसे थोड़ी सी चूक हुई थी, हमने फौरन जाकर के डिलीट किया। तो इसी तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना होता है। आप तासुरात में पॉजिटिव भी लिखिएगा, नेगेटिव भी लिखिएगा, आपको क्या अच्छा लगा और क्या होना चाहिए भी लिखिएगा, ताकि हम इन फ्यूचर अपनी सुधार कर सकें और वो कमी और वो कोताही हमसे दोबारा सरजद ना हो। अब इन्हीं चंद बातों के साथ मैं लौटता हूँ गैलरी की तरफ, और वहाँ हमारे बहुत सारे इख्वान हैं, बहुत सारे भाई हैं। हमने मदऊ किया था हमारे फजलत शेख मसीहुद्दीन साहब को भी, लेकिन शायद वो जा चुके हैं, वो हमारे बड़े अजीज हैं, दिख नहीं रहे हैं। मसीहुद्दीन साहब आए थे, शायद तशरीफ ले जा चुके हैं। बहरहाल वक्त भी ज्यादा हो चुका है, और अगर आप लोगों में से कोई अभी इसी वक्त तासुर पेश करना चाहे, अपने फीडबैक देना चाहे, तो मैं माइक खोलने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ हाथ उठा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक हाथ जो आपका है। मैं चाहे कोई बच्चा हो बोलना चाहे, कोई बड़े हो, कोई पेरेंट्स हो, कोई जो भी है बोलना चाहते हैं तो आप जरूर बोलें, माइक मैं आपके लिए खोलूंगा। और आप जरूर, क्योंकि हो सकता है इसी में से हमारे जो भाई बैठे हुए हैं वो बोलेंगे अगर, तो इतने सारे लोग हमारे यहाँ पास बैठे हुए जो है मेहमान खाने में, ये और बात है कि हम आपको कुछ पेश नहीं कर सके। पिछली बार भी हमने माजरत की थी आपसे कि बहुत कुछ चाहते हुए हमको पेश नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आपके लिए जूस लाएं, हम चाहते हैं कि आपके लिए ठंडे पानी का इंतजाम करें, हम चाहते हैं कि हम आपके लिए बिरयानी पेश करें, लेकिन सारी चाहतों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम लॉकडाउन के शिकार हैं। बस अल्लाह ताला की ये नेमत है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी के पास कोई तासुर हो, ये हमारे सैफुर रहमान अब्बास साहब हैं, ये शायद कुछ तासुर पेश करना चाहते हैं। जी सैफुर रहमान साहब, अपना माइक खोल लीजिए आप। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहु। जी हय्याकल्लाह शेख। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बहुत इससे फायदा हुआ है, बच्चे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन में ही उतना पूरा याद कर लिया था।
और बच्ची ने भी मुकाबले में शिरकत करने की कोशिश की लेकिन याद नहीं कर सके, इसके लिए शिरकत नहीं कर सके। लेकिन एक चीज आज के ताल्लुक से, इस कुरान अंदाजी के ताल्लुक से कहनी थी कि जैसे पहले आपने तशजीह इनाम निकाला जो, और फिर बच्चों के नाम निकाल दिए आपने जो तशजीह इनाम थे, हो सकता है पांच इनाम में से उनका नाम आ सकता था। मैंने तो एक बार पा चुके ना, दोबारा उनका हाथ नहीं बनता है। तो ये ऐसा कर सकते थे कि तशजीह इनाम में अगर उनका नाम आया है उनका रहने देते, अगर नाम पांच पोजीशन में आ जाता तो उनका तशजीह इनाम हटा देते थे। सैफुर रहमान साहब, जब भी कोई मुसाबका होता है हम आपकी राय की कदर करते हैं, लेकिन पता नहीं शायद हम खत्म नहीं कर पाते, फिर तो फिर वो आता रहता जाता रहता। यह चीज मेरे जहन में थोड़ी थी, मैंने ठीक है आप देखें आपने आपके जहन में बात आई हमने रखी, लेकिन कोई भी जब इदारा होता है तो उसका एक रूल होता है, उसमें यही था कि हमने उसको रिमूव किया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत की और आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और ये खुशी हो रही है आपको कि आपके बच्चों ने चार पांच दिन के अंदर सूरह ज़िलज़ाल से लेकर के वहां तक याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह। यही है कि आप जब भी अपने बच्चों को ये पुश करें, पुश करने का वक्त है, जैसा कि शेख ने बताया कि बच्चे कोरे कागज की तरह से होते हैं, आप उन पे जो लिख देंगे वही लिख जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुशारका करने के लिए। सैफुर रहमान साहब कहाँ से आप? मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हूँ, काम करता हूँ, बच्चे भी आई हैं फिलहाल। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मदीना में है, बेहतरीन जगह है, सबके लिए दुआ करिएगा। और कहाँ के? इंडिया के? हाँ इंडिया के, सिद्धार्थ नगर के। ओ भाई तो आप तो सिद्धार्थ नगरी हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना अब्दुल सत्तार सिराजी के साहबजादे हैं। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जामिया में है क्या आप? जामिया में है क्या? नहीं नहीं यहाँ काम करते हैं। अच्छा अच्छा, जामिया में नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुदाखला करने के लिए, मुशारका करने के लिए। जज़ाकअल्लाह खैर सैफुर रहमान अब्दुल सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चले मेरे ख्याल से अब आपने मुशारका किया और आपने सारे लोगों की नियाबत कर दी है, तो अब वक्त हो चला है कि हम लोग भी चले, क्योंकि यहाँ पे भी मगरिब की अजान होने में सिर्फ और सिर्फ दो मिनट बाकी है। और भी कोई अगर कोई नज़म वज़म पढ़ना चाहे हमारे भाइयों में से तो मुशारका कर सकते हैं, बस ये है याद रहे कि नज़म में शिरकिया वगैरह ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जहाँ भी रहें ये बच्चे महफूज रहें। मैं पेरेंट्स से एक बार फिर यही कहूँगा कि आप, और जैसा कि मशाइख हमारे कह के जा चुके हैं, ये बच्चे अमानत हैं आपके पास, इन्हें ज़ाय ना करिएगा, इन्हें इनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सीरियल देख रहे हैं, बच्चा पहुंच गया अम्मी अम्मी, तो अम्मी ने मोबाइल ही दे दिया, अब वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं अपने फादर्स जो हैं, मतलब जो जो बाप हैं और जो माएँ हैं, माओं का रोल बड़ा अहम है जैसा कि शेख ने बतलाया, और उनके हुकूक भी ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा कि मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। पूछा फिर कौन, तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारी माँ। कहा फिर कौन, बोले फिर तुम्हारी माँ। बोले फिर कौन, बोला फिर तुम्हारा बाप। तो ये जो माएं बैठी हुई हैं हमारे सामने, ये और बात है कि हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उन तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं कि आपके हुकूक ज्यादा हैं, आप घर में होते हैं, बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप इस जिम्मेदारी को निभाइए। एक बाप जो घर छोड़ करके रोजी रोटी के लिए निकल जाता है, वो आपको अमानत दे करके जाता है, इसलिए उसकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी है, आप उन बच्चों को जाया ना कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों की हिफाजत फरमाए, और ये जो कोरोना बीमारी है अल्लाह तबारक व तआला इस मौलिक बीमारी को जल्द अज जल्द इस दुनिया से ख़त्म कर दे। एक बार फिर हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और दूसरी गुजारिश ये है कि हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे आप अपनी आवाज़ भेज सकते हैं, अपनी तहरीर भेज सकते हैं, और तहरीर आपकी कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं बहुत ही उससे कबूल करता हूँ, इसलिए आप लोग बुख़ल से ना काम लीजिएगा और बताइएगा कि इन फ्यूचर आपको क्या चाहिए, कैसे मुसाबके चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, वो हम इंशाल्लाह जरूर लाएंगे। और हमारे बहुत सारे इख्वान हैं जो इस जूम के अंदर भी मौजूद हैं, और
मैं आखिर में ये भी कहना चाहूंगा, अजान हो रही जरा रुक जाए, देखें फिर से हम आपको सलाम अर्ज करते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारी माओं और बहनों और कौम के नौनिहालों, हम यही बात कहकर के अपनी बात को ख़त्म करेंगे और हम ये कहेंगे कि हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन दुआ जरूर कर सकते हैं। तो हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करते रहें और जो इस मुसीबत और परेशानी में कहीं भी हैं, हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानी को दूर कर दे। अगर वो मकरूज हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कर्ज की अदायगी की तौफीक दे दे। अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा दे दे। अगर वो बे औलाद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नेक और साले औलाद अता फरमा दे। अगर उनके औलाद बिगड़े हुए हैं तो दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके औलाद को सीधे रास्ते पर ले आए। तो हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, ये है खैरख्वाही। और मैं आप सारे लोगों से कहूंगा कि ये जो इतना बड़ा मुसाबका मुनक़िद हुआ वो कोई एक परवेज साहब की बात नहीं है या शमीम साहब के अकेले बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर लें। इसके अंदर एक पूरी टीम लगती है, तब टेक्निकल लोग लगते हैं और उसके पीछे फाइनेंसर होते हैं जो शायद नहीं चेहरे देखते आप उनको, चेहरे परवेज का देखते हैं, शमीम साहब का देखते हैं, मशाइख को देखते हैं आप, लेकिन उनको नहीं देखते हैं जो पीछे से पुश कर रहे होते हैं। और इसका जो अज्र है ना, सबके अंदर अल्लाह तबारक व तआला सबको बांटेगा और किसी के अज्र में से कुछ कमी नहीं करेगा। मंदल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही, तो बराबर बराबर के शरीक होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई कमी नहीं है। वो नहीं कहते उसमें से उसको दे देगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के पास तो बहुत कुछ है, आप जो मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला आपसे देगा। तो हम आपसे यही कहते हैं कि ऐसे सारे लोगों के लिए भी दुआएं करें, उनकी भलाई के लिए दुआएं करें, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं करें, उनके माँ बाप के लिए दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके माँ बाप के लिए सदक़े जारिया बनाए। और ये जो कुछ कर रहे हैं, ये दीन का काम कर रहे हैं, कुरान मजीद की खिदमत कर रहे हैं, शरीयत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस खिदमत को कबूल फरमाए और इखलास अता फरमाए। और अगर आप लोगों की दुआएं साथ रहीं
तो हमारे साथ जो लोग हैं ऐसे प्रोग्राम मजीद और बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो मशाइख हैं, हमारे पास जो उलमाए किराम हैं, हमारे पास जो फाउंडेशन है, वो सब हमारा ये प्लान है कि इन फ्यूचर हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम पेश करेंगे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और वो बच्चे जो इनाम जीते हैं जाइए आज बिरयानी बिरयानी खाइए और क्या है, और वो बच्चे जो नहीं जीत पाए हैं, इनाम नहीं आया है, तो मैं उनके पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अपने बच्चों को ये ना फील होने दें कि उनका इनाम नहीं आया है, बल्कि उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप अपने जेब से उन्हें कुछ तशरीह इनाम दे दीजिए, आप अपने जेब से, ताकि उनका हौसला घटने ना पाए। और जो लोग जीते हैं वहां तो बिरयानी बनेगी आज और बिरयानी खाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग दुआ करिए हम सारे लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए, और इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता लेकिन वो भी दारुल खैर फाउंडेशन के साथ में है, और उन्होंने मुझसे यहां तक कहा है, यहां तक कहा है कि जब तक जान में जान है मैं दारुल खैर फाउंडेशन के साथ हूं। ऐसे भी लोग हैं, और मैं तो ये तमन्ना करता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अगरचे उन्होंने इजहार नहीं किया है, कुछ और हैं जो इजहार कर दिया लेकिन कुछ लोगों ने इजहार नहीं किया है, लेकिन उनके नए ख्वाहिशात, दुआएं, तमन्नाएं और जो कुछ भी उनकी सलाहियत है दारुल खैर फाउंडेशन के साथ है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सारे लोगों को अपने इत्मीनान में रखे, दारुल खैर फाउंडेशन को नजर बद से बचाए, और दीन का जो काम हो रहा है उसको मजीद और मजीद बढ़ाए, और उसके अंदर और खूबसूरती लाए, और उसके अंदर खुबनकार पैदा करे, और हम सारे लोगों के अमलों को कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आखिर में मैं एक बात कहकर के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि इस मुसाबके में मैं तकरीबन इस ग्रुप के साथ एक महीने से हूँ, मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों से, और मैं कुछ रिकॉर्डिंग भी डालता हूँ, कुछ पोस्ट भी हमारे जाते हैं, कुछ वीडियोस भी जाते हैं। अगर मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ होगी या हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ हैं, लेकिन शायद आप ग्रुप में हैं जिसकी वजह से शायद डिस्टर्ब हो जाते हों, तो हमें माफ़ करिएगा। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ तो फिर हमारे साथ रहिए, हमारे इस दावत के सफ़र में हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन होगा। हम लोगों की यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे पोस्ट आप तक पहुँचाए जाएँ, तज़किर कराया जाए, रिमाइंडर कराया जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, कि लोगों को याद दिलाएं, और ये याद दिलाना मोमिनों के लिए नफ़ा बख्श है। तो इसीलिए व्हाट्सएप पर जो इमेजेस जाते हैं, जो जो आइडियोज जाते हैं, जो वीडियोज जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ख़्वाबे गफलत के शिकार ना हो जाइए, आप जाग जाइए और चलिए अपने रब की तरफ, चलिए अपने रसूल की तरफ, चलिए अपनी शरीयत की तरफ, पकड़िए उसी में जमानत है, उसी में गारंटी है। और आखिर में एक बात और कि नमाज की पाबंदी जरूर करिए, नमाज के अंदर कोताही नहीं होनी चाहिए, उसी के अंदर कामयाबी है। मौज़िन जब खड़ा होता है तो कहता है हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, उसके फौरन बाद कहता था हय्या अल फलाह, तो नमाज में कामयाबी है। इसलिए नमाज का एहतमाम करिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अमलों के अंदर इखलास अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद